बित्तू धारा की ये सेकंड क्लास है, और पिछली क्लास में हम लोगों ने चार्ज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है इसको थोड़ा और समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट मान लीजिए ये हमारा एक वायर है, जो वायर होता है क्रॉस सेक्शनल वो इस तरह ही होता है। ये एक हमारा वायर है जिससे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, ये एक वायर का टुकड़ा है। तो इसमें जो चार्ज होते हैं, चार्ज नॉर्मली मान लीजिए मूव कर रहे हैं, जो बाहरी सतह में किसी बाहरी क्लास में बाहरी कक्षा में जो चार्ज हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इस तरह रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, करंट फ्लो इस टाइम नहीं हो रहा है, क्योंकि जो रैंडमली फ्लो ऑफ चार्ज करंट नहीं कहलाता। अब अगर इसमें ये जो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है बाहरी क्लास में वो क्या हो, एक ऑर्डर्ड वे में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगे। मान लीजिए सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस तरह मूव करने लगे, तो हम कह सकते हैं कि वायर में एक करंट फ्लो हो रही है। मीन्स विद्युत धारा या करंट क्या होती है कि किसी क्रॉस सेक्शन में या किसी वायर में किसी कंडक्टर में ऑर्डर्ड वे में फ्लो ऑफ आयंस या फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। ऑर्डर्ड वे में ही फ्लो होना आवश्यक है, क्योंकि इस रैंडमली जब फ्लो होता है चार्ज का तब उस केस में हम कह सकते हैं कि उसमें कोई विद्युत धारा नहीं बह रही है। जब किसी वायर या कंडक्टर में एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड वे में डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन्स या आयंस का फ्लो होता है तो वहां पे एक करंट बहती है। ठीक है, तो अब एक हम डिफिनीशन ले लेते हैं कि डिफाइन कर सकते हैं कि हमने पिछले चैप्टर पे देखा था आई इजकल टू क्यू बाई टी। आई विद्युत धारा है, क्यू चार्ज है और टी समय है। तो किसी क्रॉस सेक्शन से मान लीजिए ये क्रॉस सेक्शन है, ये इसका किसी का वायर का क्रॉस सेक्शन है, तो पर सेकेंड इस क्रॉस सेक्शन से जितने इलेक्ट्रॉन पास होंगे, जितना चार्ज पास होगा वो उस कंडक्टर का में विद्युत धारा को डिनोट करेगा। मतलब कि क्रॉस सेक्शन कैसा क्या है, क्रॉस सेक्शन एक गेट की तरह है। मान लीजिए गेट है, उसमें से कुछ लोग निकल रहे हैं, तो पर सेकेंड जितने लोग वहां से निकल जाएंगे, मतलब पर सेकेंड जितने इलेक्ट्रॉन इस गेट से निकल जाएंगे वो विद्युत धारा कहलाएगी। आई इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई का मात्रक हमें पता है एम्पियर होता है। क्यों एम्पियर होता है, क्योंकि इसके बारे में जो एनालिसिस है, इसके बारे में जो उन्होंने इसके बारे में जो पता लगाया इस विद्युत धारा के बारे में, ये फ्लो ऑफ चार्जेस के बारे में, उसकी स्टडी की थी एम्पियर ने, एक फ्रेंच साइंटिस्ट फिजिशियन थे एम्पियर। तो उन्हीं के नाम पे आई विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो गया। अब हमारे मन में क्वेश्चन आती है कि फ्लो ऑफ आयंस की वजह से डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होती है, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट अगला कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होती है। तो एक चीज समझिए, मान लीजिए एक बीकर है और हमने इसमें पानी भर दिया, तो हमने अगर इसमें नमक डाला, NaCl डाल दिया, तो NaCl इसमें जब डालेंगे तो इसमें कुछ आयन भी क्रिएट हो जाएंगे, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। अब ये Na आयन, Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन का मूवमेंट होगा रेंडमली, और इसमें मान लीजिए एक धारा बने लगे, एक ऑर्डर्ड वे में धारा ऑर्डर्ड वे में आयंस मूव करने लगे, तो करंट की डायरेक्शन कौन सी लेंगे। और ये भी एक फैक्ट है कि जिस डायरेक्शन में प्लस आयंस मूव करेंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा निगेटिव आयंस मूव करेंगे। इन दोनों की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट रहेगी, कभी भी सेम डायरेक्शन में नहीं मूव करेंगे। मान लीजिए प्लस आयंस इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और निगेटिव आयंस इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं इस तरफ, तो
पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन इस तरफ है, निगेटिव आयन्स की डायरेक्शन इस तरफ है, इसका अपोजिट भी हो सकता है। पॉजिटिव आयन की डायरेक्शन इधर हो सकती है, निगेटिव डायरेक्शन की तरफ इधर हो सकती है। मान लीजिए इस केस में पॉजिटिव आयन इधर बह रहे हैं, निगेटिव आयन इधर बह रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन इसमें क्या होगी? तो एक केस मान लिया गया, एक चीज मान ली गई कि हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होती है, मान लीजिए प्लस आयन इस तरह मूव कर रहे हैं और निगेटिव आयन इस तरह मूव कर रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव आयन्स की डायरेक्शन के अलांग होती है। ठीक है, जिस तरह पॉजिटिव आयन्स मूव करेंगे उधर ही करंट हमेशा फ्लो होगी। ठीक है, अब मान लीजिए दो बॉल है कंडक्टर की, एक पे पॉजिटिव चार्ज है, एक पे निगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब अगर इन दोनों को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा? पॉजिटिव आयन्स है मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इस कंडक्टर पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। निगेटिव चार्ज मतलब इस कंडक्टर पे इन इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता है, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन फ्लो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होने लगेगा, बट डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा निगेटिव आयन्स के डायरेक्शन की अपोजिट होती है, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के डायरेक्शन की अपोजिट होगी, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की तरफ होती है, तो डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट रहता है और इलेक्ट्रॉन जो है माइनस से पॉजिटिव की तरफ चलते हैं। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमने समझ लिया, और आज क्लास के लिए इतने रखते हैं।